नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने? आज आप धोरण 7 विषय हिंदी पाठन नाम है कथनी और करनी। पाठना नाम पर लगे कथ कहवा कंक और करवा भी कंक बीजू। एटले भगवाने मनुष्य ने मनुष्य जीवन जे छे भगवान ने अपने एक अनमोल देन आपी छे अने बधा ज प्राणीओथी मनुष्य जे छे सर्वश्रेष्ठ छे अने मनुष्य जेवी रीतना इच्छे एवी रीतना पोतानुं जीवन यापन करी सके छे। अने घणी वार मनुष्य कहे छे कंईक और अने करे छे पण कंईक और। एटले मनुष्यना जीवनमां कहेवामां अने करवामां जे अंतर जोवामां मळे छे એ આ પાઠના નિબંધમાં કવિ આપણને આ પાઠના નિબંધમાં જોવા મળશે। ઈશ્વરને મનુષ્ય કો અન્ય પ્રાણીઓ સે શ્રેષ્ઠ બનાયા હૈ, કઈ ગુણો સે ઉસે સવારા હૈ ઓર ઉસે અભિમાન ભી હોતા હૈ, પરંતુ સ્વયં કો ગુણો કી ખાન સમજને વાલા વ્યક્તિ કઈ બાર એસે કાર્ય કરતા જિસે ગલત બતાતા ઓર કથની ઓર કરની में अंतर है के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। मनुष्य जे छे ए बधा करता बधा प्राणियों करता मनुष्य जे छे ए श्रेष्ठ छे। भगवाने एने बधा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनाया छे अने मनुष्य जे छे गुणों की खान छे। मनुष्य ना अंदर केटला बधा गुणों होय छे परंतु तेने तेने गुणों पर અભિમાન હોય છે અને ઘણીવાર એવું કરે છે જે કહે છે કંઈક ઓર ને કરે છે કંઈક ઓર। એ આપણા પાઠમાં ઘણા બધા ઉદાહરણ જોઈશું। બસ્તી કે બીચ મેં સરકારને પાર્ક બનાને કી જગહ છોડ રખી થી, બરસાત કે મોસમ મેં મોહલ્લે કે એક સજ્જન કો ઉસમેં ફૂલો કે પૌધે લગાને કી સૂચી બાત અચ્છી થી, वे कहीं से पौधे लाए और कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की और पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल लगने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह 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 और शाम पार्क में टहलने लगे। सुबह सबको अच्छे लगते फूल सबको अच्छे लगते थे। पार्क में लोगों को आने जाने से उन्हें लगा कि लोग फूल तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर लिखकर टांग दिया, फूल तोड़ना मना है। सोसाइटी ना बच्चों वत जगह छोड़ी राखी थी बगीचा माटे। એટલે એક સજ્જનના મનમાં વિચાર આવ્યો, કેમ ને અહીંયા હું ઝાડ છોડ રોપી દઉં? તો તેણે વરસાદના મોસમમાં છોડ લાવી અને ત્યાં રોપી દીધા અને બહુ મસ્ત મોટા થઈ ગયા અને ફૂલો પણ લાગવા લાગ્યા અને લોકો સવાર સાંજ ત્યાં બગીચામાં આવા માંડ્યા। એટલે એ સજ્જનના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ ફૂલ તોડીને કોઈ લઈ જાય તો? એટલે ત્યાં એક પુઠ્ઠા ઉપર એવું લખી દીધું અને ટાંગી દીધું કે ફૂલ તોડવાના મનાય છે એમ। આતે જાતે સબને ઉસે પડતે કોઈ ભી ફૂલ કો નહીં તોડતા, પર મજે કી બાત તબ સમજ મેં આઈ જબ લોગોને देखा कि लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। वे अपने शर्म को मिटाने के लिए पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, बोले। आवता जता लोकोए ते तख्ती टांगेली हती रे जोई, एटले कोई पण त्यां फूलो तोड़तो नतो, पण जेने आ तख्ती टांगेली हती ए सज्जन ज एक दिवस सवार सवार में फूल तोड़ी रहा हता। એટલે કોકે એમને પૂછ્યું કે કેમ આ ફૂલ તોડો છો? તો એમને જવાબમાં કીધું, હું મંદિરમાં ભગવાન માટે તોડી રહ્યો છું। બસો મેં લિખા હોતા હૈ અને બીજી હવે આપણે બીજો ફકરો સમજીશું। બસો મેં લિખા હોતા હૈ ધૂમ્રપાન કરના નિષેધ, એક બાર યાત્રા કરતે હુએ દેખા એક યાત્રીને બીડી જલાઈ ઓર પીને લગા। ઉસમે દેખકર કંડક્ટર ને કહા, ભાઈ સાહેબ
बस में बीड़ी पीड़े सिगरेट पीना मना है, उसने जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फेंक दी। आपणे बसों में यात्रा तो करी जैसे, बसों में दरेक जगह दरेक बस में लखेलू जो है कि धूम्रपान वर्जित है, एटले के बीड़ी सिगरेट पीवानी मनाई छे। त्या एक व्यक्ति सिगरेट सड़गाई ने पीवा मंड्यो, एटलामां बस कंडक्टरे कीधु भाई लखेलू छे जोयुं नथी के एम। तो त्यारे व्यक्तिए सिगरेट बहार फेंकी दीधी अने थोड़ीक वारमां ज कंडक्टर ड्राइवरना केबिनमां जई अने सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री देखा तो लिखे हुए वाक्य तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोलो था, यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। अने थोड़ी कच वार में कंडक्टर जे छे ए ड्राइवर ना केबिन में जाइने सिगरेट सड़गावे छे अने बन्ने वारा परथी पीवा मंडे छे। त्यारे एक व्यक्ति ज्या त्यां बैठेलो होय छे ते कहे छे, लखेलू बतावे छे, त्यारे तेने कंडक्टर शू जवाब आपे छे कि आ जे लखेलू छे ए तमारा माटे छे, अमारा माटे नहीं। एटले कि कहेवामां अने करवामां अंतर होय छे।